सरकार ने उस समय दी, सरकार ने उस समय दी हुकूमत ने दिल्ली दी सड़कां तो वो निशान मिटा दिते होंगे सिखां दे खून दे, लेकिन मेरे जैसे विक्टम्स, मेरे जैसे पीड़ित, मेरे जैसे होर पीड़ितों के दिलों तो नहीं मिटाए जा सकते। वी नेवर फॉरगेट नवंबर 1984 सिख मसाज। मैं तो ऐसी गल भी नहीं करता कि इंसाफ हुण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि एचकेएल भगत चला गया, किड़ी नूं सजा मिल गई, फ्राइड नाइट अज भी बाहर है गया, किड़ी सजा मिल गई, कई देखो आए ने क्या जी असीं जेलां पहुंचावांगे। देखो जी 38 देखो जी 38 साल हो चले ने, ते 38 साल दे विच सानूं अज तक इंसाफ नहीं मिलिया, जिहदे लई 1984 दे सिख पीड़ सरकार तो न्याय प्रणाली तो इंसाफ की मंग कर रही है। कमलनाथ तो सुरूपा देन का बहुत जोरदार खंडन किया, जिहड़ा ऑलरेडी 19 नवंबर 1984 विच इनवॉल्व है, उसका नाम है। तो आप जेकर साड़िया गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटियां ही उन्होंने बुला के 84 के जिहड़े कातल ने उन्होंने सरोपे देनगियां, तो सानूं इंसाफ कौन देगा? कुलदीप गिल जैसे लोग पंजाब दे विच जगदीश टाइटलर का जन्मदिन मनाउणगे, तो सानूं इंसाफ कौन देगा? जबकि अज का देखा जाए तो अज का इंटैलीजेंस इतनी स्ट्रोंग है कि अज हुण ही किसी का कतल हो जाए तो कल उस अखां दे पिछे होंदा। तो नवंबर 1984 के सिख पीड़ितों अज तक इंसाफ क्यों नहीं दिला पा रही, साड़ियां कमेटियां क्यों नहीं दिला पा रही? आम तौर उत्ते इस कतलो गैरत लई दंगे शब्द की ही वरतू होंगी, जो कि मेरे जैसे पीड़ित नूं ना बर्दाश्त। वह है तो 1984 की उपज ही है, उस तो पहला तो वह भी कोई बंदी कोई किसी क्राइम के विच उन्हां दा नाम नहीं आया। या एस जी पी सी ने एक तुसीं उन्हां दी वैबसाइट पर जाओगे एक दस्तखत मुहिम का आगाज शुरू किया, जो बहुत शलांघा योग कदम है। जिहड़ी सिखां दा कतलेआम होया दिल्ली के होर बाकी जगह पर जिथे सिखा तसीए दे के इंदिरा गांधी आफ्टर द एसैसीनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, तो अगर इस भी एस जी पी सी इन सिखा वास्ते भी साढ़े सिख पीड़ितों वास्ते भी एक जीनोसाइड डिकलेयर करा, सिख नसलकुशी डिकलेयर करा सिग्नेचर कैंपेनिंग दस्तखत मुहिम का आगाज शुरू करे, तो नाल ही इस मामले में भी अंतरराष्ट्रीय पद्धर से UNO के लै जाना दा एक उपराला करे। एस जी पी सी नू एक अपनी एक पत्र लिखिया धामी साहब दे जो प्रधान ने एस जी पी सी दे, इवनली मैं दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नू भी एक पत्र लिखिया। देखो जी मैनू जवाब तो आया, मैनू जवाब आया एस जी पी सी श्री अमृतसर साहिब तो, उन्हां दी मैनू मेल आई है जो ऑलरेडी मेरे इहदे विच मोबाइल दे विच ऑलरेडी हैगी है, जे तुसीं देखना चाहो तो मैं तुहानूं दस सकदा कोई इस की यह है जी। ये मैं जवाब आया है जी उन्हों का 8 फरवरी 2023 मैं स्क्रीनशॉट ले लाँगा आप जी तो जी संगत दिखावे जवाब की आया सी। ते मगर तुसी एस जी पी सी भी की DHMC नाल भी दिल्ली गुजारा मैं सिख मैनेजमेंट कमेटी का हाल तक मैं जवाब नहीं आया, क्योंकि मैं अज भी उन्होंने ये मेल की हुई अज 14-15 दिन हो चुके। जबकि नवंबर 1984 खाली मेरे जैसे विक्टम के नाल ही पूरी सिख कौम का, नवंबर 1984 की नसलकुशी पूरी सिख कौम की नसलकुशी है, तो मैं चाहता कि इस खाली तिलक विहार तक सहमत न रखन, गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटियां इस वड्डे पद्धर से मनाउन, जिस तरह कि लखी जशा वनजाणा हाल में आसपास गुरपुरब मनाते हैं, सारे गुरुआं दे कोई भी सिख इतिहासिक दिन मनाते हैं, इन्हों भी मनाने की कोशिश की जाए ताकि लोगों को संसार भर में पता लग सके कि 1984 सिख नसलकुशी सी। सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है तुहाडा वॉइस ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के अंदर। अज असीं गल सियासत की ना करके उस टॉपिक के उत्ते कर रहे हैं जिहड़ा सिखां दे उत्ते नमक का काम करता, सिखां दे जख्मां दे उत्ते नमक का काम करता, मगर सियासत भी सब तो ज्यादा उसी टॉपिक के उत्ते होंदी है। जी हाँ दोस्तों, मैं गल कर रहा 1984 की। साडे नाल मौजूद है 1984 के विक्टिम भी है ने, ते उन्हां दे पैरोकार भी है ने, ते सोशल मीडिया के उत्ते कमेंटा राही वीडियोज नहीं बनाते मगर अपनी कमेंटा के राही अपनी ईमेल के राही अपनी प्रेजेंस हर जगह रखते हैं, हर टॉपिक के उत्ते अपने कमेंट पा के अपने दर्द नूं रखते हैं। कोई लीडर नहीं है मगर विक्टिम है, सिंह साहब ना की आप जी का
जतेंद्रपाल सिंह जी। सिंह साहब मैं आप जी वेख्या वॉइस ऑफ इंडिया हो या किसी भी चैनल थोड़े कमेंट जरूर आते हैं, वो बड़े तिखे कमेंट आते। अज मैं आप जी मुलाकात हुई तो मैं क्या सर इंटरव्यू लेना है, रीजन यही सी कि पोलीटिकल लोगों के इंटरव्यू कई कर देते हैं, मगर जिन्हों के उत्ते पोलिटिक्स हो रही होंगी है लोग उन्होंने भी भूल जाते हैं। 1984 आप जी की लगता है जेनोसाइड के बाद ऐसा लोगों फायदा फायदा तो खैर की वर्ड हो सकता लोगों वैसे मरहम लगन वास्ते कम होए या फिर लोगों ने सिर्फ सियासत की इस टॉपिक के उत्ते इस पूरे मुद्दे के उत्ते 38 साल हो चुके 1984 की कहना चाहोगे? देखो जी मैं सब तो पहले थोड़े चैनल का शुक्रिया करना जिमें कि तुम्हें कहा कि मैं तुम सोशल मीडिया से कमेंट ते चाहे वॉइस ऑफ इंडिया के थ्रू कमेंट कर दे चाहे कई होर भी चैनल आते हैं पंजाब के कई चैनल्स ने इवन लिए मेरा अपना फेसबुक चैनल है यस इट इज़ जीनोसाइड यूट्यूब चैनल का भी मैं मेरा ऑलरेडी हैगा लेकिन जो तुम मैं गल पूछ रहे हो सियासत के बारे 1984 मरहम लगे या सियासत की जा रही है देखो जी 1984 अज 38 साल हो चले एज अ विक्टम मैं इस दर्द को फील किया तो अज तक यह दर्द घटिया नहीं बल्कि वधदा ही गया। क्यों? क्योंकि हर वक्त कहते हैं वक्त हर चीज की दवा आती है, समय तो बाद परिवार तो कुछ जाता है लोग धीरे 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 भूल जाते हैं फिर समय समय याद करते हैं रोज याद नहीं कर पाते, मगर 84 के विक्टिम रोज दिहाड़ी अपने और 38 साल तो याद कर रहे हैं नहीं भूल पाते, ऐसा क्यों होता है? देखो जी जिन्होंने अपने जी गुआए वो किवें भूल सकते हैं, मेरे जो ये नस्लकुशी की गई मैं अपने परिवार के जिया गुआया जिन्हों बेरहमी के नाल तसीए देख के उन्होंने घर तो धरू धरू के जिंदा उन्होंने गल में टायर पा के उन्होंने साड़ दिता गया, उन्होंने टोटे टोटे करके सड़क लाल कर दी गई। बेशक सरकार ने उस समय की सरकार ने उस समय की हकूमत ने दिल्ली की सड़कों तो वो निशान मिटा दिते होंगे सिखां दे खून दे, लेकिन मेरे जैसे विक्टम्स मेरे जैसे पीड़ित ते मेरे जैसे होर पीड़ितों के दिलों तो नहीं मिटाए जा सकेंगे। वी नैवर फॉरगेट नवंबर 1984 सिख मासाकर। अच्छा एक गल मैं होर पूछना चाहवा आप जी तो एक बेसिक लाइन वरती जाती है आप जी मैसेकर कह रहे हो मगर जो भी किसी चंद खबर चलती है तो अजक हूं तो अगर वर्ड वर्ड बदल गया नॉर्मली वरती जाती 1984 राइट्स देखो जी आम तौर उत्ते इस कतलो गैरत लई दंगे शब्द की ही वरतू होंगी जो कि मेरे जैसे पीड़ित ना बर्दाश्त है, मेरे जैसे होरनां पीड़ितों भी इस ये बर्दाश्त होना चाहिए, ये ना बर्दाश्त है तो सारे सिखां नूं ना बर्दाश्त होना चाहिए है, दंगा वोट। मैं ये दस दें कि 84 राइट्स जिन्होंने आप 84 राइट्स कहते हैं ये सिख नसलकुशी सी उस समय की हकूम उस समय की मीडिया ने 19 नवंबर 1984 जो ये नसलकुशी हुई सिखा दी उस समय की मीडिया ने सरकारी नीति अनुसार सरकार वालों की सिखा की नसलकुशी दंग्या का नाम दे के लोकतंत्र की अखा से पट्टी बंदी। मगर 38 साल तो SGPC हो या DSGFC जी आज तक यदि गल क्यों नहीं जकी कि वर्ड नु वर्तना चाहिए क्योंकि हुण ते कई आगू एहो जे बैठे जिहड़े सरकार दे नाल अच्छा राबता रखदे ने ते आ काम हो सकदा कि नहीं? बिल्कुल हो सकदा है, हुण ते सरकार च कांग्रेस दी भी नहीं हैगी, बिल्कुल हुण तां BJP दी इहनां दी अपनी सरकार है ते साडे कई चाहे आपां SGPC दी गल करिए जो साडी सिख दी केंद्रीय संस्था है हुणी तुहानू पता होना कि बहुत शलंघायोग कदम इन्होंने चुकया सिखी बंदी सिखां दे लैके जिहड़े बंदी सिंह सन वह है तो 1984 की उपज ही है, उस तो पहला तो वह भी कोई बंदी कोई किसी क्राइम दे विच उन्हां दा नाम नहीं आया लेकिन अज की डेट के उन्हां दे जिहड़ियां सजावां हैगियां ने वह पूरी हो चुकिया ने उसके बावजूद भी उन्होंने छड्या नहीं गया। ठीक है इसी करके SGPC या होर सिख संस्थावां ने जिहड़ा ये मोर्चा लाया या SGPC ने एक तुसीं उन्हां दी वैबसाइट ते जाओगे एक दस्तखत मुहिम दा आगाज़ शुरू किया जो बहुत शलंघायोग कदम है ते इस मामले नूं अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते UNO विच लै जाण दे लई ओह तैयारी कर रहे ते इसी दे
एक अगर इसी पदर से जिहड़ी सिखां दा कतलेआम होया दिल्ली दे होर बाकी जगहां ते जिथे सिखां नूं तसीहे दे के इंदिरा गांधी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, तो अगर इस नूं भी एस जी पी सी इन्हां सिखां वास्ते भी साडे सिख पीड़तां वास्ते भी एक जिनोसाइड डिकलेयर करा सिख नसलकुशी डिकलेयर कराने लई सिग्नेचर कैंपेनिंग दस्तखत मुहिम का आगाज शुरू करे, तो नाल ही इस मामले में भी अंतरराष्ट्रीय पद्धर से यू एन ओ के लै जाना दा एक उपराला करे। मैं तुहानू यह दस देवा कि मैं इस दे बाबत इस दे लई एस जी पी सी नू एक अपनी एक पत्र लिखिया धामी साहब के जो प्रधान ने एस जी पी सी दे, इवनली मैं दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी नू भी एक पत्र लिखिया। देखो जी मैनू जवाब तो आया, मैनू जवाब आया एस जी पी सी श्री अमृतसर साहब तो, उन्हां दी मैनू मेल आई है जो ऑलरेडी मेरे ये मोबाइल दे विच ऑलरेडी हैगी है, जे तुसी देखना चाहो तो मैं तुहानू दस सकदा कोई इस की ए है जी। ए मैनू जवाब आया हैगा जी उन्हां दा 8 फरवरी 2023 नू। मैं स्क्रीनशॉट ले लांगा आप जी तो जी संगत दिखावांगे जो आपकी आया सी ਤੇ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਡੀ ਐਚ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ 14-15 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਗਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1984 ਸ਼ਹੀਦ ਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਬਈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ 1984 ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਢੂੰਡਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 3/11/1984 ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਲ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਲ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਮਾ ਜਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਦਵਾ ਪਾਵਾਂਗੇ 40 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ 5-10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਤ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਰੈਡ ਨਾਈਟ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਈ ਦੇਖੋ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 38 ਦੇਖੋ ਜੀ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅਤੇ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੀੜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ 1990 ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਅਗਰ ਕੁਲਦੀਪ ਗਿੱਲ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕਾਤਿਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ 7 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਹੁਣ 4-5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਸ ਦੇ 1984 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ,
जबकि अज का देखा जाए तो अज का इंटैलीजेंस इतनी स्ट्रोंग है कि अज हुणी किसी का कतल हो जाए तो कल उस अखां दे पिछे हुंदा। तो नवंबर 1984 के सिख पीड़ितों अज तक इंसाफ क्यों नहीं दिला पा रही, साड़ियां कमेटियां क्यों नहीं दिला पा रही, या साडे जिहड़े सियासत है वह क्यों नहीं दिला पा रही। हाँ खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि उन्होंने घर उजड़ गए, उन्होंने परिवार कतल कर दिता गया, जिथे 10 मैंबर सन उथे 8 नू कतल कर दिता गया, तो परिवार तो खैरू खैरू हो ही जाना। ये कमेटी का जो रोल सी, कमेटी आप नहीं कहते, कमेटी का कमेटी अपना रोल बखूबी निभाया है, कोई भी कमेटी निभाया है, निभाया है, अच्छी तरह निभा रही है, निभाया है। लेकिन आप सरकार की गल करिए तो सरकार तो उन्होंने हाले कोई कंपनसेशन के अलावा कोई इंसाफ नहीं मिले, खाली कंपनसेशन देने नाल ही सानू इंसाफ नहीं मिलना 84 विक्टम्स तो। इसी तरह जिन्हां लोगों के अपने कुछ रिश्तेदार ने उत्थे उत्थे चले गए, उत्थे उत्थे वस गए, तिलक विहार नू, तिलक विहार नू तां सरकार ने वसाया, तिलक विहार नू सरकार ने ही वसाया, इस कमेटी ने नहीं वसाया, सरकार ने वसाया। अज अगर वह तिलक, खाली ये ना समझो कि 1984 के पीड़ित खाली तिलक विहार में ही रहते हैं, पूरी दुनिया के इस वक्त जो बाहर चले अबरॉड चले गए हैं वह भी 1900 कुछ उन्होंने भी नवंबर 1984 के पीड़ित है। सो ये साड़ी बदकिस्मती है, असी अगर जीनोसाइड की गल करिए, दंगों की गल करिए, कि अज तक सिख पूरी दुनिया में फैल जाने तो बावजूद भी इस गल नूं उजागर नहीं कर सके कि यह दंगे नहीं सन, ये नसलकुशी सी, जीनोसाइड सी, अदा गुनाहगार कौन है। ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਰਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਲੇ। ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ UNO ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਜੀ, 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 1948 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, UNO ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀਜੀਅਸ 'ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੂਬੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 'ਤੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਜਦਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਨਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖੀ ਜਸ਼ਾ ਵਣਜਾਣਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 1984 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 2-4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਕਟਿਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਤਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।